तेरे दिमाग में कौन सा है जो अभी तू चाहता है कि तेरी स्पॉन्सरशिप आए? इंडियन ब्रांड देखा जाए तो मसलेस। ये देख रहे हो, ये सब हमारा है, सब हमारा है सब। मैंने ये सब मैनिफेस्ट किया है। आई एम जस्ट अ गाय हु इज ट्राइंग टू लिव द वे ही वॉन्ट्स, द वे ही ड्रीम्ड। आई हैव वर्क विद मेनी ब्रांड्स लाइक फास्ट एंड अप, एएल न्यूट्रिशन, बोल्ट न्यूट्रिशन एंड हमारा सबका फेवरेट मसल ब्लेज। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू गेट स्पॉन्सर्ड बाय एनी ब्रांड, वो भी कम फॉलोअर्स पे। बिकॉज मैंने भी मेरा फर्स्ट स्पॉन्सरशिप बाय मसल ब्लेज 1000 सब्सक्राइबर्स पे लिया था, एंड सबसे पहला स्पॉन्सरशिप मेरा 600 सब्सक्राइबर्स पे आया था ऑफ फास्ट एंड अप। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो अगर आपको जानना है मुझे मसल ब्लेज फास्टर एयर न्यूट्रिशन ने क्या क्या भेजा था, तो उनकी लिंक आपको यहाँ पे ऊपर आ रही होगी, वहां पे क्लिक करो और देखो कि मुझे ब्रांड्स क्या क्या भेज रहे थे, कितने बड़े अमाउंट का भेज रहे थे जबकि हमारी कम्युनिटी इतनी छोटी थी। सबसे पहले आप ब्रांड से क्या चाहते हो वो सोचना बंद करो और सोचो कि ब्रांड आपसे क्या चाहता है, मतलब आप ब्रांड को रिटर्न में क्या प्रोवाइड कर सकते हो। अगर ब्रांड्स आपको सप्लीमेंट्स दे रहे, पैसे दे रहे, तो आप रिटर्न में उन्हें क्या दोगे? एंड अगर आपका जवाब है कुछ नहीं, तो वाई शुड ब्रांड स्पॉन्सर यू? देखो इस दुनिया में सब अपना अपना फायदा देखते हैं, कोई बड़ा ब्रांड हो, छोटा ब्रांड हो या फिर कोई इंसान हो, सब अपना अपना फायदा देखते हैं। सो ब्रांड्स को सिर्फ एक्सपोजर चाहिए, रीच चाहिए और उनको सेल जनरेट करना है आपसे। तो अगर आपको कोई ब्रांड 10,000 के सप्लीमेंट्स दे रहा है तो वो एक्सपेक्ट करता है वो आपसे 1 लाख का सेल जनरेट कर पाए। so, ये दिमाग में रखो एंड देन मूव फॉरवर्ड। मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला कि कम फॉलोअर्स में आप कैसे स्पॉन्सरशिप ले सकते हो, तो उसके लिए आपको फॉलोअर्स नहीं, आपको कम्युनिटी बिल्ड करनी होगी। सिर्फ नंबर्स होने से कुछ नहीं होता। सपोज आपके 30,000 फॉलोअर्स है बट आपका कोड यूज करके कोई भी प्रोडक्ट नहीं ले रहा, देन दिस इज जस्ट अ नंबर। वो 30,000 सिर्फ नंबर है, वो कम्युनिटी नहीं है, वो सिर्फ दिखाने के लिए है। कम्युनिटी बहुत ही है। सपोज आपके 1,000 फॉलोअर्स भी हो तो भी आप 10-20-30,000 के सेल दे रहे हो ब्रांड को। दैट्स व्हाट आई हैड, इसलिए मैंने ब्रांड्स को बहुत अच्छा सेल जनरेट करके दिया एंड दैट्स व्हाई आई गॉट स्पॉन्सर्ड बाय दिस ब्रांड्स। तो सबसे पहले खुद की कम्युनिटी बिल्ड करो, खुद की वैल्यू बिल्ड करो, देन ब्रांड्स आपके पीछे पीछे आएंगे। यू डोंट हैव टू मैसेज एनी ब्रांड वगैरह। मुझे मसल ब्लेज ने खुद मैसेज किया था, फास्टअप ने खुद मैसेज किया था, मैंने नहीं किया था उन्हें मैसेज कि मुझे प्रोडक्ट्स दो। देखो आपको भिखारी नहीं बनना है, यू डोंट हैव टू बी बेगर। अगर आप ब्रांड के पीछे भागोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। खुद की वैल्यू बिल्ड करो, खुद को बिल्ड करो, अच्छी बॉडी बनाओ, अच्छी फॉलोइंग बनाओ। देन नेक्स्ट चीज आती है, अगर आपके पास अच्छी फॉलोइंग है बट स्टिल आप ब्रांड के पास से मैसेज वगैरह नहीं आ रहा, तो आपके फेवरेट ब्रांड से कुछ ना कुछ तो खरीदो एंड उनको फ्री में मार्केट करो। लेट द ब्रांड नो कि हाँ ये बंदा अच्छा कंटेंट बना रहा है हमारा प्रोडक्ट यूज करके, इस बंदे के अकाउंट पे अच्छे व्यूज आ रहे हैं, देन वो ब्रांड आप में इंटरेस्टेड रहेगा, देन वो ब्रांड आपको स्पॉन्सरशिप देगा। एंड ऐसा भी मत करो कि आप एक ही ब्रांड के पीछे भाग रहे हो लाइक मसल ब्लेज मसल ब्लेज मसल ब्लेज, ऐसा भी मत करो। बिकॉज मसल ब्लेज बहुत बड़ा ब्रांड है, मे बी आपको बहुत टाइम लग जाएगा उससे स्पॉन्सरशिप मिलने के लिए। आप दूसरे छोटे अच्छे ब्रांड्स को भी देख सकते हो लाइक हेल्थ पंप, अवतार, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप अच्छा प्रोडक्ट प्रमोट करो। ऐसा मत करो कि जो डब्बे पे लिखा है वो उसमें है ही नहीं, तो ऐसे कोई स्कैम वगैरह मत करो। मेरे पास भी घपला घपली करने वाले स्कैमर ब्रांड्स के मैसेज आए थे 2-3, आपको पता ही है, बट उनका मैंने कभी मेरे चैनल पे रिव्यू भी नहीं किया, ना ही मैं उन्हें प्रमोट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारी कम्युनिटी छोटी है तो मैं कुछ भी प्रमोट करूंगा वगैरह करूंगा। मुझे अच्छे अच्छे ब्रांड से भी मैसेज आते हैं, कुछ घपला घपली करने वाले से भी आते हैं, मैं उनमें से सिलेक्ट करके फिर एक आध दूसरा प्रोडक्ट प्रमोट करता हूँ। सो स्टे लॉयल टू योर फॉलोअर्स। मैंने भी ब्रांड्स को सिलेक्ट करते हुए बहुत सारे मिस्टेक्स किए, बट उन गलतियों से सीखो और मेक श्योर आप घपला घपली करने वाले ब्रांड्स के साथ, मतलब बिग डॉक्टर और भी बहुत सारे, उन्हें प्रमोट मत करो बिकॉज आपकी ब्रांड वैल्यू कम होगी, आपकी ब्रांड वैल्यू खराब होगी। सपोज आपके 30,000 फॉलोअर्स है और आप 2,000 फॉलोअर्स वाले ब्रांड को सिलेक्ट मत करो, वहां पे ब्रांड को आपकी वजह से बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलने वाला है, ना कि आपको ब्रांड से। जब ब्रांड आपसे बड़ा होता है, जब उनकी फॉलोइंग बड़ी होती है, देन यू शुड सेटल फॉर लेस। जब ब्रांड आपसे छोटा होता है या फिर आपके सेम लेवल पे होता है, देन आप उनसे थोड़ा एक्स्ट्रा या ज्यादा मांग सकते हो। डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यू कहाँ पे और ब्रांड की कहाँ पे है, यहाँ पे भी हो सकती है और यहाँ पे भी हो सकती है। सो यू हैव टू सिलेक्ट। आपके जितने फॉलोअर्स है उसके कम फॉलोअर्स वाला ब्रांड सिलेक्ट मत करो बिकॉज उससे आपको ज्यादा
ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, सिर्फ ब्रांड को ही ज्यादा होगा। एंड दीज आर थिंग्स व्हाट आई फॉलो। मुझे इसे स्पॉन्सरशिप्स मिली है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें स्पॉन्सरशिप, ब्रांड एम्बेसिडर, बार्टर कोलैबोरेशन वगैरह क्या क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अब जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।